अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप एकदम से हैरान होंगे कि अभी तो ये अम्मी के घर घूम रही थी, अभी ये कहाँ पहुँच गई है। तो जी, मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर। यहाँ पे मल मेरी छोटी बेटी है, उसकी सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे एमरजेंसी में वापस आना पड़ा है। सुबह इनके स्कूल में था टीचर डे, तो उसके लिए मैंने ये कार्ड बनाया था। ये थी टीचर डे के हवाले से उसकी स्कूल में ही ली गई कुछ पिक्स थी। अच्छा, अब जब मैं इसको लेने गई ना स्कूल, तो सेकंड टर्म्स के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम भी मिल गया कि जी आपने कॉपीज़ खरीदनी हैं, कॉपीज़ कवर करनी है, नेम टैग लगाने हैं और स्कूल का लोगो लगाना है। बस मेरा काम बढ़ गया क्योंकि मैं अभी अभी आई थी अम्मी के घर से, और जैसे ही मैं पहुँची हूँ यहाँ पर तो मुझे इसके स्कूल से कॉल आ गई। मैं फटाफट फिर उधर चली गई और मैं उस दिन बहुत सख्त थक गई थी, इस कॉपीज़ वगैरह लेके आई और यहाँ बैठ के कवर करने इनको, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना वो आपके बच्चे होते हैं। आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनकी एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प करें और उनके स्कूल में क्या चल रहा है उसको भी मद्देनज़र रखें और किसी भी एक्टिविटी से गाफिल ना हो, हर काम उनका वक्त पे सबमिट करो। जो भी आप एफर्ट करते हैं ना वो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। आप जो कुछ कमा रहे होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो सब आप अपने बच्चों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए करते हैं। तो जहाँ पे हम सब उनको प्रोवाइड करते हैं चलो 1 2 3 सुनाओ पहले। वेरी गुड। हमारे ऊपर कितनी नमाजें फर्ज हैं? चलो निमल आप ही बताओ, हमारे ऊपर कितनी नमाजें फर्ज हैं बेटा? वेरी गुड। कौन कौन सी? अरे माशाल्लाह। और हमारी किताब कौन सी है? वेरी गुड। पहला कलमा कौन सा है? माशाल्लाह जी। स्कूल की तरफ से था कि जी उर्दू की नोटबुक पे ब्लू शीट होनी चाहिए, इंग्लिश की पे येलो, और जो है मैथ्स की उस पे होनी चाहिए रेड, और ये जो रजिस्टर है 3-in-1 रजिस्टर, इस पे उन्होंने कहा था कि ऑरेंज शीट चढ़ानी है। तो अभी ये वाला रहता था और उन पे भी अभी नेम टैग वगैरह रहते थे, तो मैंने कहा अभी जो टाइम है जल्दी से इसको कम्प्लीट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि भाई के रिश्ते के लिए मैं लड़की देख आई थी, लड़की मुझे पसंद थी और इंशाल्लाह जो है आगे का प्रोसीजर भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस टाइम तो मुझे अपनी बेटी की पड़ गई थी, तो मुझे अचानक वापस आना पड़ा। बीच का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, उसके लिए बहुत माजरत, लेकिन दोबारा जाऊँगी तो सब कुछ आपको डिटेल में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।